बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, क्या क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकती है अलग अलग क्षेत्रों में, इसकी जानकारी आपको दे दें। और जो पहली बड़ी खबर है वो है पंजाब से, जहाँ 20 मार्च तक गरज और चमक के साथ यहाँ तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 20 मार्च तक यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 18 मार्च को यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं विदर्भ की अगर हम बात करें तो 19 मार्च को कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो अधिकतर इलाकों में 20 मार्च को यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं मौसम अलर्ट पर, कहाँ कहाँ चेतावनी जो है वो जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, कहाँ कहाँ अलर्ट जारी किया गया है या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ जहाँ आप केसरिया रंग देख पा रहे हैं जो कि इस बात का सूचक है, सतर्क रहना होगा, सावधान रहने की बात कही गई है, वो आप देख सकते हैं। ओडिशा की बात की जाए या तेलंगाना की हम बात करें और तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपको बता दें ना सिर्फ भारी बारिश हो सकती है बल्कि गरज चमक के साथ जो तेज़ हवाएँ हैं वो भी यहाँ चल सकती हैं। और खासतौर से इसके अलावा जहाँ जहाँ पीला रंग देख पा रहे हैं, इस बात की सूचक है कि नज़र बनाए रखने की बात कही गई है। और इसमें अगर हम बात करें पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएँ चलेंगी और ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। साथ ही जहाँ जहाँ और आप पीला रंग देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर गरज चमक की जो स्थिति है वो बनते नज़र आ रही है। यानी खासतौर से लेह लद्दाख की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो चल सकती हैं। और खासतौर से ऐसे में अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ भी देखिए बारिश की भी संभावना बनी हुई है, बिजली की चमक और गरज के साथ जो हवाएं हैं वो भी यहाँ भी जारी रहेंगी। साथ ही कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें या फिर खासतौर से महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ भी इस तरह का अनुमान जताया गया। अब आइए मौसम पूर्वानुमान में नज़र डालते हैं बारिश की स्थिति पर, क्या रह सकती है बारिश की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की बात करें तो कई जगह यहाँ बारिश का अनुमान है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बारिश होगी, लेकिन अनेक जगह बारिश हो सकती है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे हमने आपको बताया यहाँ भी कई जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो देखिए लगभग हर एक राज्य में अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा की हम बात करें, गांगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। और इसके साथ ही अधिकतर जगह देखिए जो बारिश होगी, अगर दक्षिण भारत का हम रुख करते हैं, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसके साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कई जगह बारिश हो सकती है, जबकि रायलसीमा में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं यानी कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, केरल, अंडमान निकोबार, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अनेक स्थानों पर यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ ही मराठवाड़ा, यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। तो राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा आप देख सकते हैं, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही है यानी क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की गई है ये आप देख सकते हैं। पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए बारिश की स्थिति बनी हुई है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी हमने देखा जो बारिश की स्थिति कुछ एक जगह दर्ज की गई। इसके अलावा लगातार जो तेज़ हवाओं का दौर है, गरज चमक की स्थिति बनी हुई है, फिर चाहे हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आप देख पा रहे होंगे लगातार यही स्थिति बनी हुई है। जबकि अगर बात की जाए पूर्वी भारत की तो यहाँ भी लगभग हम देख पा रहे हैं, अगर झारखंड की बात की जाए तो बारिश की स्थिति यहाँ दर्ज की गई, ओडिशा में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बिहार में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चली, ओडिशा में भी और बाकी राज्यों में भी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो देखिए अंडमान निकोबार में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई, भीतरी उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा में भी लगभग बारिश की स्थिति दर्ज की गई, जबकि जो बाकी राज्य हैं केरल, तमिलनाडु की हम बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तेलंगाना, यहाँ भी बिजली की चमक के साथ
साथ जो तेज हवाएं हैं, गरज चमक की स्थिति रही और तेज हवाएं भी यहां दर्ज की गई हैं। और ऐसी स्थिति हमने देखी है मध्य भारत की स्थिति की अगर बात की जाए खासतौर से, देखिए लगातार हालांकि गुजरात में कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो भी दर्ज की गई थी और इसके साथ साथ विदर्भ में भी हल्की फुल्की बारिश दर्ज हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए तेज हवाएं जो हैं बिजली की चमक और गरज के साथ दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में भी हमने ऐसी स्थिति देखी, इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र और गुजरात में भी जैसा हमने आपको बताया फिलहाल ये स्थिति दर्ज की गई। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में और क्या कुछ खास रह सकता है इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वाइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपने जाना किस तरीके से लगातार मौसम में अलग अलग परिस्थितियां जो हैं वो दर्ज की जा रही हैं। ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, तापमान का हाल आपको बता देते हैं। वहां पे किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है, और पहले अगर बात की जाए खासतौर से अधिकतम तापमान के हाल की, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब के अलग अलग क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान, यहाँ अधिकतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। यानी इजाफा जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर बात हम करें खासतौर से उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की, इसके साथ आप देख सकते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली के भी अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं बिहार की हम बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो यहां करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं असम मेघालय की बात की जाए, उपमंडल पश्चिम बंगाल सिक्किम की हम बात करें या फिर ओडिशा में भी आप देख सकते हैं यहां एक गिरावट दर्ज की गई है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी अधिकतम तापमान की स्थिति में यहां पर दर्ज हुई है। इसके साथ ही अगर रायलसीमा की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी एक गिरावट दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है यहाँ पे दर्ज की गई है अधिकतम तापमान की स्थिति में। और वहीं अगर हम बात करते हैं तटीय कर्नाटक और केरल के अलग अलग क्षेत्रों की, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोंकण गोवा की बात की जाए, सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम बात करते हैं खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और भीतरी उत्तर कर्नाटका के यहाँ अलग अलग क्षेत्रों की, तो यहाँ गिरावट दर्ज की गई है, करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अब आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें या फिर तेलंगाना में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी करीब
तीन से पाँच डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है। और इसके साथ ही जो सबसे अधिक तापमान है आप देख सकते हैं रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज किया गया, तापमान रहा 37.6 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की, वहाँ किस तरह का बदलाव आया है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में भी दर्ज किया गया है। इन राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों की अगर खासतौर से बात की जाए सामान्य तापमान के मुकाबले, और वहीं हिमाचल प्रदेश की हम बात करें या पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बिहार की बात की जाए या खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ भी लगातार करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और ओडिशा की हम बात करें, असम, मेघालय की बात की जाए, तो यहाँ न्यूनतम तापमान में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है, गिरावट है, वो दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और आइए अब बात करते हैं खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तेलंगाना, भित्री उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा और तटीय प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर हम बात करें तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर मराठवाड़ा, विदर्भ की बात की जाए, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें, गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच सबसे कम तापमान देखिए मराठवाड़ा के औरंगाबाद में दर्ज हुआ, तापमान रहा 13.4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सबसे कम तापमान न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए, तो ये तो बात हुई किस तरह का बदलाव तापमान में दर्ज किया जा रहा है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नज़र। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो आप? बस चलिए मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, सिक्की में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की जा रही है। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति बनी हुई है, प्रमुख शहरों में क्या हाल है, ये जान लेते हैं। राजधानी दिल्ली 166 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ पर वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। पटना की अगर बात की जाए तो 204 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। इसके साथ ही बेंगलुरु में 80 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पुणे की अगर हम बात करें तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहां पे दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। और इसके साथ ही हैदराबाद की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 79 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी स्थिति जो है वो यहां भी दर्ज हुई। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं 75 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। मुंबई की अगर बात की जाए तो 122 रहा गुणवत्ता सूचकांक, एक संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की यहां दर्ज हुई। इसके साथ ही अहमदाबाद में 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। भाई आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर, यानी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले चार दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से। आप देख सकते हैं शनिवार को बिजली की चमक और गरज की स्थिति है, बौछारें नजर आ रही हैं, जबकि रविवार में कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि सोमवार और मंगलवार फिर से वही स्थिति है, बिजली की चमक और गरज की स्थिति जो है बनी रहेगी, कुछ एक जगह बौछारें पड़ सकती हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार में यहां बिजली की चमक और गरज की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है, कुछ एक जगह ओले पड़ने का भी अनुमान है, जबकि रविवार और सोमवार में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, वहीं मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है अगले चार दिनों के लिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, बारिश जो है वो यहाँ हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले चार दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार रविवार सोमवार तीनों दिन एक जैसी स्थिति है, यानी बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें कुछ एक जगह ज़रूर पड़ सकती हैं, जबकि मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर बात की जाए बिहार के बोधगया की तो देखिए यहाँ भी शनिवार रविवार सोमवार अनेक जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा, मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं, और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है अगले चार दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ओडिशा के पुरी की, तो यहाँ देखिए शनिवार में बारिश की स्थिति सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है, जबकि रविवार सोमवार और फिर मंगलवार तीनों दिन एक जैसी स्थिति, यानी कुछ ही की जगह पुरी में जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, बरसने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और वहीं न्यूनतम तापमान करीब 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ लगातार जो बारिश है उसका सामना आपको करना पड़ेगा शनिवार से लेकर मंगलवार तक, सावधान थोड़ा सा रहें, सीधे तौर पर बारिश की स्थिति यहाँ बनते हुए नजर आ रही है, और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। यहाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार में यहाँ भी बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है, जबकि रविवार सोमवार मंगलवार फिर तीन दिन जो बादल हैं वो ज़रूर कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं, जबकि बाकी जगह मौसम साफ रहने का भी अनुमान है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। वहीं तेलंगाना के निज़ामाबाद की अगर हम बात करें तो शनिवार रविवार दो दिन यहाँ सीधे तौर पर बारिश का
का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, जबकि सोमवार और मंगलवार की बात की जाए तो कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ सकते हैं, इनके बरसने की संभावना कम है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार रविवार बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें जो हैं वो नजर आ रही हैं, जबकि सोमवार और मंगलवार में अनेक जगह यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से जो मौसम का असर है वो कृषि क्षेत्र पर पड़ता है, लेकिन ऐसे में अगर किसानों को मौसम की सारी जानकारी होगी, पूरी तरीके से जानकारी रखेंगे, तो वो अपनी फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं इस मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में आम के बागों में फलों को गिरने से रोकने के लिए उचित दवाओं और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। बिहार में भिंडी की विभिन्न किस्मों जैसे परवनी क्रांति और अर्का अनामिका की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान इसकी बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बिहार में प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण को रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रेट को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिहार में इस मौसम में मक्का और लोबिया की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। यहाँ काबुली चने की फसल में फली छेदक के प्रकोप को रोकने के लिए उचित दवाओं का स्प्रे करें। बिहार के किसान मूंग की HUM 16, पूसा विशाल और सम्राट जैसी किस्मों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बिहार में टमाटर, मटर, बैंगन और चने की फसल की सुरक्षा के लिए खेतों में पक्षी बसेरा लगाएं। यदि इनके पौधों में फल छेदक कीट का खतरा दिखाई दे तो उन क्षतिग्रस्त सब्जियों को अलग हटा दें। साथ ही फसल की निगरानी के लिए 2 से 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ में लगाएं। छत्तीसगढ़ के गन्ना किसान गन्ने की फसल में उर्वरक डालने और मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में इस समय मक्का की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान सूरजमुखी की फसल की समय समय पर सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में लीची में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए नीम आधारित दवाओं का स्प्रे करें। छत्तीसगढ़ में कटहल में राइजोपस सड़न रोग के नियंत्रण के लिए 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें। यहाँ के किसान सभी कंद वाली सब्जियों जैसे आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज की पकी फसलों की खुदाई कर लें। साथ ही इनकी खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई जरूर करें। तो जाना आपने यहाँ पे कौन कौन से कृषि कार्य किसान अभी कर सकते हैं और खासतौर से इन क्षेत्रों में जिस तरीके से अभी बारिश की भी संभावना है, तेज हवाओं की भी संभावना जताई गई है, तो तमाम जानकारी लेते हुए आप कृषि कार्य करें जिससे आपकी जो फसल है उस पर ज़्यादा मौसम का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव जो है वो ना पड़े। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मूंग की खेती को लेकर। इसकी अलग अलग किस्में जो हैं वो हमारे किसान लेते हैं, लेकिन और किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा अच्छी उपज के लिए इस मौसम में, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। एक हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने कैसे आप इस मौसम में भी बेहतर ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।